हिमाचल के सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को फॉर्मल पहनकर आने के आदेश पर कर्मचारियों ने मांगा समय बोले, अधिकारियों को भी तय हो नियम। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में सरकारी फरमान जारी हुआ, जिसके तहत कहा गया है कि प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे कर्मचारियों को दफ्तर फॉर्मल कपड़ों में पहुंचना होगा। इस दौरान जीन्स और टी शर्ट पहनने पर खास तौर से मनाही की बात की गई। अब इसको लेकर अब सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने कहा है कि कर्मचारी इसके लिए तैयार है, लेकिन उन्हें इसके लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारियों पर भी इस नियम को लागू करने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश में सेवाएं कर्मचारी संगठन के प्रधान संजीव शर्मा ने कहा कि पहले भी ड्रेस कोड को लेकर कुछ ऐसा ही फरमान जारी किया गया था, तब भी कर्मचारियों ने ट्राउजर सिलवाए और जीन्स टी शर्ट पहनकर कार्यालय आना बंद कर दिया था, मगर उस वक्त कुछ अधिकारियों ने ही जीन्स पहनकर आना शुरू कर दिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने भी इसका अनुसरण करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सरकार अगर यह फरमान लागू करना चाहती है तो उन्हें कम से कम 2 महीनों का समय दिया जाए, ताकि कर्मचारी जरूर इंतजाम कर सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नियम केवल छोटे कर्मचारियों पर ही लागू ना हो, अधिकारियों पर भी लागू किया जाए। वहीं संजीव शर्मा ने कहा कि इससे इतर अगर सरकार ड्रेस कोड रखना चाहती है तो इसके लिए भी कर्मचारी तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्हें भत्ता दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सर्दियां रहती हैं और कम से कम 2 वर्दियां आवश्यक हो जाती हैं। ऐसे में वर्दी का खर्चा है 25,000 तक पहुंच जाएगा, जिसका बोझ कर्मचारियों पर डालना ठीक नहीं है। लेकिन अगर सरकार केवल जीन्स और टी शर्ट पहनने की ही मनाही करती है तो इसके लिए कर्मचारियों को केवल कुछ समय देना चाहिए। देखिए, ये 2017 में भी एक इस तरह का फरमान जारी हुआ था कि भी सभी कर्मचारी अधिकारी जो है ड्रेस कोड में आएंगे। तो उस वक्त क्या हुआ कि हमारे, मैं भी तब भी मैं प्रेसिडेंट था, तो हमने भी अपने लोगों को बोला ठीक है भाई, ड्रेस कोड के लिए अगर बोल रहे तो ठीक है। तो हम लोगों ने भी ड्रेस कोड में यानी कि ट्राउज़र में आना शुरू कर दिया जीने छोड़ के। हुआ क्या, हमारे लोगों ने, हमारे कर्मचारियों ने पैंटें सिलाई, ट्राउज़र सिलाए और ऑफिस आना शुरू किया ट्राउज़र में। तो बाद में क्या हुआ, 1-2 महीने के बाद कुछ अधिकारी लोग ही है जो है जीन में आना शुरू हो गए। जब अधिकारी जीन में आना शुरू कर गए तो हमारे लोगों ने फिर से जीन में पहनना शुरू कर दिया। तो इस बार अभी पता चला कि एक फरमान फिर से यही जारी कर दिया कि भी सब लोग जो है ट्राउज़र में आएंगे। तो हमारा प्रशासन से ये आग्रह भी रहेगा, निवेदन भी रहेगा कि अगर ड्रेस कोड आपने शुरू करना है तो या तो ठीक से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, सबके लिए इम्प्लीमेंट की जाए, अधिकारी के लिए भी इम्प्लीमेंट की जाए। नंबर 2, इतनी जल्दी में जिस तरह से उन्होंने फरमान जारी किया कि भी अगर कोई जीन में आता है तो हम जो है उसके अगेंस्ट जो है ना डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, तो इतने जल्दी तो अब कई लोगों के पास तो है ही नहीं ट्राउज़र। अगर अब आप बोलें कि नहीं जी आप जीन छोड़ दो, सबके पास जीन्स में ही आते थे कर्मचारी लोग, एकदम तो ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। हम चाहे कि ना भी करें इसको, क्योंकि इसके लिए तुम्हारे को थोड़ा समय देना पड़ेगा। अब एक ट्राउज़र जो है उसकी सिलाई जो है 1,000 रुपये है, यानी कि 2,000 की एक ट्राउज़र पड़ती है। एक मेरा कर्मचारी यहाँ पे दीपावली आने वाली है, कहाँ से 3-4 ट्राउज़र खरीद लेगा, नेचुरली उसके ऊपर भार तो पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि एकदम इसको इम्प्लीमेंट ना करके थोड़ा इसमें टाइम दिया जाए, अगर इसको इम्प्लीमेंट करना ही है तो यही हमारा प्रशासन से रहेगा, इम्प्लीमेंट करना ही है। एक तो सबके लिए किया जाए, अधिकारी के लिए भी, कर्मचारी के लिए। नंबर 2, और इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा समय दिया जाए कर्मचारियों के पास। कितना टाइम, कम से कम 1.5-2 महीना, 1.5-2 महीना, 2-1 महीने का। नेक्स्ट ईयर से जो आने वाला नेक्स्ट ईयर, हाँ नए साल से भी करें, पर इसके लिए भी देखना पड़ेगा ना। ये अगर आपने ड्रेस कोड, कुछ लोग बोल रहे कि ठीक है हमारे को, हम ड्रेसेस में आ जाते हैं, हमारे लिए कोट यूनिफॉर्म जो है ना आप सिलेक्ट कर दो, हम उसमें आएंगे। अच्छा समय जी, एक सवाल है कि यूनिफॉर्म का भी पैसा मिलता है, तो आप लोग कैसा इसको देखते? नहीं, अगर तो आप वो बोलते हैं, प्रशासन बोलते हैं कि नहीं एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए, अगर वो होनी चाहिए तो उसके लिए तो या तो कोई एडवांस दें हमारे को, ठीक है ना सर। अब एक कोट है, कोट ही कोट मुझे लगता है 5,000 का पड़ता है, पैंट, उसके बाद स्वेटर, यहाँ पे तो सर्दी में स्वेटर भी चाहिए, कोट भी चाहिए, ट्राउज़र भी चाहिए। अगर वो जो है ना, मुझे लगता है 10,000 से कम का तो आएगा नहीं, एकदम आप कर्मचारी पे इतना भार तो नहीं डाल सकते ना। वो भी एक ड्रेस तो 2 चाहिए, यानी कि 20-25,000 रुपये का खर्चा है, या तो उसके लिए फिर लोन दे सरकार। अगर आप बोलते कि ठीक है सिर्फ जीन नहीं पहनी और टी शर्ट नहीं पहनी है तो उसके लिए ठीक है, उसके लिए तो हमारे पास 1-2 महीना काफ़ी है, 2 महीने के बाद जो हम कम्प्लीट जो है ट्राउज़र में आने के लिए तैयार हैं, पर सबके लिए। नहीं नहीं, अगर तो सिर्फ 2 चीज़ों के लिए प्रशासन बोलते हैं, सिर्फ जीन और टी शर्ट नहीं होनी चाहिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तो तुम जैकेट में आ, जैसे ये जैकेट पहनना है, कोई दिक्कत नहीं है,
है ना। अगर बोलते हैं ड्रेस कोड कि एक यूनिफॉर्मिटी जैसे कि प्राइवेट कंपनी में होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है, अगर उस तरह की चाहिए तब तो हमारे को कम से कम 2-3 ड्रेसेस चाहिए, उसमें तो फिर जैकेट भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो बर्फ़ पड़ती है। अब इसके लिए हम प्रशासन से पहले बात करें किस टाइप का आप ड्रेस कोड बोल रहे हैं, कि खाली यूनिफॉर्म जो होती है प्राइवेट सेक्टर में, या फिर सिर्फ जीन और टी शर्ट नहीं चलेगी। अगर टी शर्ट और जीन नहीं चलेगी तब कोई दिक्कत नहीं, हम ठीक है 2 महीने के बाद इस ड्रेस में आना शुरू कर देंगे, ट्राउज़र बनाना फिर से शुरू कर देंगे। हाँ देखिए, कल के लिए हमारा शपथ ग्रहण समारोह का जो कल की जो तिथि थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आना था। अब जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अभी वो अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं एम्स में, तो उनका आना भी संभव नहीं है। तो जैसे ही वो आएंगे, अब इस हमने जो अपना शपथ ग्रहण समारोह है इसको हमने फिलहाल स्थगित कर दिया है। जैसे ही सीएम साहब आएंगे तो हम उनसे नेक्स्ट डेट लेके उसको हम आपको बता देंगे कब। उस दौरान कोई कार्यक्रम, कोई जनरल हाउस वगैरह क्या होगा? नहीं, जनरल हाउस भी साथ में ही होगा, पहले शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके बाद जनरल हाउस होगा, लोगों का धन्यवाद किया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री आएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि उस जनरल हाउस में या उस शपथ ग्रहण समारोह में हो सकता है सीएम साहब ये जो डीए की हमारी 3 किस्तें हैं ड्यू है, 1 किस्त जारी करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।